इसके अतिरिक्त हम लोग नक्सलवाद ग्रसित प्रदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। उड़ीसा में हमारी 8 बटालियन हैं और छत्तीसगढ़ में भी 8 बटालियन हैं, और इन बटालियंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने इलाके में, जिम्मेदारी के इलाके में कोई भी अप्रिय नक्सल घटनाओं को होने से रोका है। इसमें हमारी शहादत भी हुई है और अचीवमेंट्स भी हुई हैं। कई नक्सल पकड़े गए हैं, जैसे 19 नक्सल पकड़े गए हैं और 3 नक्सल मारे गए हैं, और 40 के करीब हमने आईडीज, जो विस्फोटक पदार्थ वो लगाते हैं हम लोग के मार्ग में ताकि हम लोग वहाँ से गुज़रें तो हमारे साथ हादसा हो और हमारी जो है जाने जाएं, तो ऐसी हमने 40 के करीब माइंस बरामद की हैं और उनको सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज़ किया है। 34 हथियार पकड़े गए हैं, एम्यूनिशन भी भारी मात्रा में पकड़ा गया है, और विभिन्न तरह के जो वो नए नए हथियार बनाते हैं वो भी पकड़े गए हैं, जिसमें एरो बॉम्ब, जिलेटिन स्टिक्स, ग्रेनेड्स और विभिन्न तरह के एक्सप्लोसिव्स और डिटोनेटर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटीज़ में भी दूसरे बलों के साथ सहयोग करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा, जो जुलाई अगस्त के महीने में हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसमें भी हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई एक्सेस हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली उनको सिक्योर किया है ताकि जो यात्रा है वो सुरक्षित तरीके से चल सके। लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में भी हम अलग अलग स्टेट्स में अपनी कंपनियां भेजते हैं, जिसमें मुख्यतः अभी जम्मू कश्मीर और मणिपुर में हमारा ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। इलेक्शन अभी आप देख रहे हैं कि आज भी इलेक्शन है तेलंगाना में, और 4 और स्टेट्स में अभी होके चुका है, उसमें भी हमने भारी मात्रा में अपनी कंपनीज आदेश अनुसार भेजी थी। इन सुरक्षा ड्यूटीज़ के साथ साथ हम लोग जिस इलाके में हम तैनात होते हैं वहाँ की जनता के साथ अच्छा समन्वय बनाते हैं, अच्छा एक रिलेशन बनाते हैं, और उसमें कुछ उनके विकास के कार्यक्रम भी हम करते हैं जिसको सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए हमको केंद्र सरकार से धनराशि भी मिलती है और उसको हम उस प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी सेवाएं दी हुई हैं, और उसमें 140 बीएसएफ कर्मी, जिसमें 10 महिला कर्मी हैं, वो भी शामिल हैं, जो कॉन्गो में पीस मिशनमर हैं। आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक बड़ा हमारा प्रायोरिटी है, देश की भी और बल की भी, और हम अब तक बल में 8,500 महिला कर्मी हमारे साथ हैं जो विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इसमें अफसरान भी शामिल हैं, और ये बॉर्डर से लेके नक्सल इलाकों से लेके हर जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत उत्कृष्ट काम कर रही हैं। आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि हमारी जो महिला कर्मी हैं, हमारे जो महिला सैनिक हैं, उन्होंने कोई ड्रोन्स भी मार के अपनी राइफल से गिराए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और अच्छा प्रयास है। हमारे साथ थल, हम जो बटालियंस हमारी हैं वो एक तरह से इन्फेंट्री की तरह काम करती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक एयर विंग है जिसमें फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर्स भी हैं, फिक्स्ड विंग जहाज और हेलीकॉप्टर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एक वाटर विंग भी है जो पानी वाले इलाकों में, जिनकी सेवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, बोट्स
और दूसरी फ्लोटिंग बीओपीस के रूप में, जैसे सुंदरबंस एरिया में हमारी जहां मौजूदगी है, जो बॉर्डर है वहां पे हमारे पास वाटर विंग है जहां पे फ्लोटिंग बीओपीस हैं और विभिन्न तरह की बोट्स हैं। ऐसे ही सर क्रीक साइड में पश्चिम में, वहां पे भी हम लोगों के वाटर विंग की खासी मौजूदगी है। और ऊँटों का दस्ता तो आप सब देख चुके होंगे, रिपब्लिक डे पे भी अक्सर देखा जाता है टीवी में, और इस बार हज़ारीबाग के लोग भी देखें, इसके लिए हम ऊँट यहाँ भी लाए हैं और कल आप उनका परेड में नज़ारा देखेंगे। हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और 600 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इस साल कंप्लीट किए हैं। और एक और जो बहुत अच्छा काम किया है खेल के क्षेत्र में, उसमें जलंधर में जो हमारा कैंपस है उसमें हॉकी की एस्ट्रोटर्फ लगाई है, जिससे ना सिर्फ बीएसएफ की टीम को बल्कि उस प्रदेश के लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं उस पे खेलें और अपने जो है हुनर को और विकसित करें और एस्ट्रोटर्फ पे खेलने का अभ्यास करें। अभी कुछ दिन पहले खेल मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, श्री अभिनव ठाकुर जी ने। जो हमारे बलकर्मी हैं वो भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी अभी गए थे जिसमें उन्होंने 20 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। अभी आपको याद है कि वर्ल्ड पुलिस एयर फायर गेम्स विनीपेग कनाडा में हुए थे इस वर्ष, तो मैं वहां का आपको ब्यौरा दे रहा हूं। और हमारी एक महिला कर्मी हैं कांस्टेबल सोमा हाजरा, जो हमारी शूटिंग टीम सदस्य हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बाजू भाईजान बाकू में वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और दो हमारे बलकर्मी भारत की हैंडबॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जो 2024 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी बहुत बढ़ावा देते हैं, अक्सर माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस और राफ्टिंग एक्सपेडिशंस हम लोग चलाते हैं। और इस वर्ष बीएसएफ की माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन ने 8163 मीटर ऊंची नेपाल में स्थित माउंट मनासुलू को सबमिट किया है। और इस टीम में ख़ास बात यह है कि 2 महिला कर्मी भी थीं जिन्होंने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में सबमिट किया। हमारा एक दिव्यांग स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें जो बलकर्मी हैं विभिन्न हादसों में या लड़ाई के दौरान जख्मी हो जाते हैं और उनको कुछ कठिनाई होती है लिम्स में या किसी और शरीर के अंग में, तो उनको हम अलग से स्किल डेवलपमेंट केंद्र चलाते हैं जो दिल्ली में स्थित है। और वहाँ पे हमारे अलावा दूसरे बलों के सदस्य हैं जिनको भी इस तरह की चोटें लगती हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। और जो सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें भी बीएसएफ ने बहुत खासा योगदान दिया है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने भी देखा होगा, आपके प्रदेश में भी बीएसएफ ने काफ़ी रैलियां और अन्य प्रोग्राम किए थे ताकि आज़ादी का जो संदेश था, जो उसका सेलिब्रेशन था, जो उसका उद्घोष था, वो जन जन हर जनता के हर सदस्य तक पहुंचे, उसका हमने प्रयास किया था और उसकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। मीडिया में भी आप लोगों ने काफ़ी उसके बारे में लिखा था। उसके अलावा एक और कैंपेन था, मेरी माटी मेरा देश, जिसमें भी बीएसएफ ने देश के विभिन्न कोने कोने से अपने योगदान दिए थे और जो कलश आए थे वो भी एक बड़ा प्रोग्राम था और काफ़ी उसका योगदान था और ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी वो काफ़ी जो है पॉपुलर हुआ था। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में भी
बीएसएफ ने बड़े एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया था, और 1 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ था तो हम लोगों ने अलग अलग एरियाज़ में सफाई का अभियान चलाया, काफ़ी सफाई और स्वच्छता को उसमें बढ़ावा दिया था। और एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसमें बीएसएफ एक नोडल एजेंसी है सारे बलों के लिए, और बीएसएफ ने इसमें काफ़ी काम किया है। उसमें हमने अपने कुक्स और दूसरे बलों के कुक्स को भी मिला के ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए हैं कि ताकि विभिन्न तरह के जो मिलेट हैं मोटे अनाज, उनसे अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा सकें। ऐसे कई सारे हमने कैंप्स चलाए जिसमें अपने कुक्स के अलावा दूसरे बलों के कुक्स बुला के ट्रेन किया, और हमारे हर मील में, हमारे जो हर भोज होते हैं उसमें कम से कम 1 या 2 मिलेट के आइटम अवश्य होते हैं। कल आप देखेंगे रेजिंग डे परेड है, उसमें भी मिलेट के आइटम्स आपको नज़र आएंगे, और जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किया है और कुछ अच्छे पकवान जो है निकाले हैं, जो हम लोग अपने मेसों में और अपने घरों में भी हम लोग नियमित रूप से उनका इस्तेमाल करते हैं। और कल आप भी देखेंगे अब कि कितना हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। और हमने अभी कुछ दिन पहले अपने बल मुख्यालय यानी दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाई थी मिलेट्स की, जिसमें जो इंडस्ट्री से लोग मिलेट्स के अलग अलग व्यंजन या स्नैक्स या रेडी टू कुक फूड आइटम्स बनाते हैं, उनको अपने आइटम्स प्रदर्शन करने का अवसर मिला था, और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से उनको आइडिया लगा कि इन चीज़ों को कहाँ से ऑर्डर किया जा सकता है और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और दिनचर्या में जो है पौष्टिक आहारों को शुमार किया जाए, उसके लिए एक सुविधा हमने क्रिएट की थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और लोगों ने उसका काफ़ी लाभ उठाया, और जो इंडस्ट्री से लोग आए थे उनको भी काफ़ी एक्सपोजर मिला था। हम लोगों ने वेलफेयर मेजर के लिए भी काफ़ी ध्यान, इस एक और चीज़ में आपको बताऊं कि जो वृक्षारोपण का कैंपेन है सरकार का, उसमें भी जो बीएसएफ है उसने अब तक जो है 35,58,000 पौधे लगा चुका है, और टोटल हम लोग जो भारत सरकार का टारगेट है उससे आगे चल रहे हैं। जितना भी हमको टारगेट दिया जाता है हर वर्ष उससे आगे हम लोग करते हैं। वेलफेयर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हुए हैं, और जो बायजूज है उसके साथ भी हमने कोचिंग के प्रोग्राम किए, उसमें ई लर्निंग का एक ऐप उनके साथ साझा किया, थिंक एंड लर्न प्रीमियम एप्लीकेशन, बीएसएफ के जो परिवारों के बच्चे हैं उनके लिए हमने ये बनाया है। और हमने एचएमसीएल से समझौता किया है, करार किया है, जिसमें वो सीएसआर के तहत हमको 100 स्कूटर्स देंगे जो दिव्यांगों के लिए उपयोग किए जाएंगे। और हम लोग बल के अंदर 81 स्कूल चलाते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग फ्रंटियर्स में, जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल्स हैं और जो बड़े सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स हैं वो भी हैं, जिससे हम अपने बच्चों के साथ साथ जो उस एरिया में निवास करने वाले लोकल नागरिकों के लिए भी वो सुविधा हम एक्सटेंड करते हैं, और हम बीएसएफ से ज़्यादा बाहर के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, और काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे स्कूलों के रहे हैं, जिनके कुछ बच्चे आईआईटीज में भी सेलेक्ट हुए हैं और मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं और अपने अच्छे करियर की तरफ अग्रसर हुए हैं, और ये स्कूल्स वहाँ के एरियाज़ में बहुत पॉपुलर हैं, लोग उनमें अपने बच्चों को दूसरी जगह से निकाल कर भी पढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन जो हमारी सीट्स की कैपेसिटी है वो जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है उससे जो निर्धारित है 42 बच्चे पर क्लासरूम, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हम लोग कई बार असमर्थ हो जाते हैं ज़्यादा लोगों को मदद करने में। ये सब डेटा मैं आपके सामने रखा मैंने, और इसके अलावा कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो मुझे हर्ष होगा अगर आप पूछेंगे। जी माइक दिए गए। हेलो जी सर, आई एम शैलेश शर्मा फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स एंड पाइनियर। राइट सर, आई वांट टू आस्क दैट द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द बटालियन इज एज आई नो द ऑर्गेनाइजेशन इज 192 बटालियंस, इज देयर एनी प्लान टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बटालियन इन फ्यूचर, नंबर वन। नंबर टू, आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टेक्निक टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर्स? यू आर राइट, वी हैव अबाउट 193 बटालियंस, 192 नहीं 193 हैं, एंड वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर मोर बटालियंस, इट इज़ अंडर एग्जामिनेशन। यू सी दिस नेसेसिटीज कीप कमिंग अप एज वी गेट मोर एंड मोर ड्यूटीज, वी ट्राई टू एक्सटेंड आवर सेल्स विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ टू एज्यूम न्यू रोल्स, बट फॉर अ लॉन्ग स्टे बेसिस वी रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ, फॉर विच वी हैव सेंट प्रपोजल्स एंड आई एम श्योर दे विल बी कंसिडर्ड इन ड्यू कोर्स। As far as technology goes, yes, I already mentioned in my briefing that we are using gadgets based on different technologies on both the borders to prevent infiltration as well as to combat smuggling. मैं उमेश प्रताप सर, सनमार्ग अखबार से हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल का जो ये है क्या इवेंट है, कितने बजे से प्रोग्राम होगा, और दूसरी चीज़ है कि अभी जो है सो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कुछ जो है सो आप लोगों ने स्पेशल बीएसएफ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था किया है क्या, जो खास करके टेररिस्ट एक्टिविटी से निपटने के लिए? हमारे 11 बेसिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जिसको हम बोलते हैं एसटीसी, उसमें जो हमारे रिक्रूट्स सिपाही भर्ती होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है। कोई भी सिविलियन जब बल में भर्ती होता है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये बेसिक प्रशिक्षण के केंद्र हैं। उसके अलावा हमारे स्पेशलाइज स्कूल्स भी हैं, जैसे आप जिस प्रांगण में आज बैठे हैं ये TC&S कहलाता है, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ऐसे और भी कई हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे BSF की एक एकेडमी है टेकनपुर में, जहाँ अफसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारी अफसर्स की एकेडमी है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो भी वहीं दी जाती है एकेडमी टेकनपुर में, और वहाँ पे हमारे श्वानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे श्वान दस्ते जो बहुत ही कारगर होते हैं। आपकी वजह से उनका व्यू डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा साइड में आ जाइए। तो इस तरह के हमारे अलग अलग जगहों पे विभिन्न कार्यक्रमों को बारे में प्रशिक्षण देने के केंद्र हैं, जहाँ पे हम अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब हमारे किसी भी बड़े बल में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जी, और कल का जो प्रोग्राम है वो मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, वो 10 बजे आएंगे। लेकिन आप सब से गुजारिश है कि आप लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि फिर वो सिक्योरिटी के चलते थोड़ा सा आवागमन में हम लोग अवरोध कर देते हैं, ताकि सुरक्षित तरीके से जो VIP हैं पहुंच सकें। सर जी, आपको बहुत बधाई स्थापना दिवस के, आप 100 साल के हो जाएं यही कामना है मेरी। एक जो सवाल है सर मेरे पास। जी धन्यवाद, बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के पास जो पुलिसिंग की नई जिम्मेदारी दी गई है आप लोगों की, जो चर्चाएं थी कि संभवत आप लोग नई ट्रेनिंग की मांग कर रहे हैं, तो ये चैलेंज है या फिर अचीवमेंट माना जाए, क्योंकि 50 किलोमीटर तक अंदर तक पुलिसिंग भी करनी है आप लोगों को? नहीं, ये है, ये नॉर्मल को आप कह रहे हैं पुलिसिंग करना है वो नहीं है, ये जिम्मेदारी
लेट की सुरक्षा, उसको सुरक्षा करने के लिए आप सिर्फ जीरो लाइन पे नहीं बैठते हैं, थोड़ा पीछे भी रहते हैं, और ये इलाका बढ़ने से इसमें तो हमको मदद होगी, क्योंकि हम इतनी दूर तक अगर हमसे कुछ छूटा भी है तो उसको वहाँ तक हम जाके देख सकते हैं या वहाँ पे भी हम उपाय लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो स्मगलिंग हो रही है इंडिया से बाहर, उसको भी हमको चेक करने का एक बड़ा दायरा मिल जाता है। तो ये एक तरह से एक अच्छा मूव है और इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, ऐसा हम मानते हैं। Do you have any plan to expand this training center where you are holding the raising day tomorrow, since this is the oldest training center of BSF as I remember? So do you have any plan to expand this center for bringing more trainees under training? You see, already we are having a lot of trainees in this training center. We train about 2000 personnel in various courses in this campus where you're sitting. However, as we grow in our size and responsibilities, the nature of responsibilities changes, the adversaries also adopt new strategies and techniques. So we have to constantly evolve ourselves. Depending on the requirement of the situation and circumstances, we'll definitely come up with new courses, and some of them will definitely come here. This is one of our premier institutions. Yeah. क्या दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है या जो सोर्स है वो मॉड्यूल एक ही है या डिफरेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेरर फंडिंग में यूज होते हैं, तो एक ही मॉड्यूल है बेस मॉड्यूल या डिफरेंट है? दरअसल हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, जो आप पूछ रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन का है। तो हम लोग उसको बरामद करके, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, तो पुलिस होती है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, उनको हम सुपुर्द करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई वो लोग देखते हैं। ये तो बेसिक ड्यूटीज ही हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रयास होता है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है, कहाँ कहाँ किस तरह के अटेम्प्ट होते हैं। तो जो लोकल यूनिट्स वहाँ की होती हैं उसी तरह से अपने डिप्लॉयमेंट को देती हैं, और हमारा जो इंटेलिजेंस ब्रांच है वो इस मामले में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तो उस इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ करते हैं और काफ़ी सफल ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें लोग पकड़े भी जाते हैं और कई लोग हमको देख के वापस भाग जाते हैं, अपने बॉर्डर में एंट्री नहीं करते इंडिया में। और जो कैटल स्मगलिंग का है वो तो आप आंकड़ा देखते हैं रोज़, बल्कि उसके लिए कई एनजीओज आगे आई, उनको आना पड़ा, क्योंकि जिस मात्रा में हम लोग बरामद करते हैं कैटल, उसको रख रखाव के लिए एजेंसियां नियमित हुई हैं जिनको हम हैंड ओवर करते हैं और वो उनको ले जाती हैं। तो कैटल स्मगलिंग के भी, जैसे आपके साथी जर्नलिस्ट ने अभी पूछा था, 50 किलोमीटर का दायरा है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस भी लगाते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको जो है टैकल करते हैं। जी मीडिया से मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने 21 में स्थापना दिवस मनाया राजस्थान में, 22 में मनाया पंजाब, और इस बार 23 में मना रहे हैं झारखंड में, हैं कि हजारीबाग में यानी मेरू कैंप में की ओर आपकी दृष्टि है, तो आने वाले समय में इस कैंप को और क्या कुछ मिलने जा रहा है और क्या कुछ डेवलपमेंट होने जा रहा है, इस पर कुछ बताइए सर। देखिए, ये जो है एक प्रशिक्षण केंद्र है, तो यहाँ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की प्रधानता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स यहाँ कराएंगे और इसकी जो कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज करेंगे, और आवश्यकता हुई तो इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ बटालियंस हो सकता है हमको नहीं, तो हम ये चाहेंगे कि एक बटालियन भी इस प्रदेश में आवे, ताकि यहाँ के